Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are doing well and I'm good. Alhamdulillah. Today's vlog is going to be very interesting because today I'm going to tell you what is the first thing that I do with my income. So a few days back I received my salary and uh, I think you might people know that I'm working in English language school as a manager. So what is the very first thing that I do with my salary? So before starting my vlog. Let me show you my Mindy stain. As you know, how much I love Hina. How is it? Nice na? Okay, so let's get started now.

मैं अलहमदिल्ला इतनी हैसियत रखती हूँ कि फ़िलहाल मैं और दूसरा कपड़ा बना सकती हूँ तो मेरे जितने कपड़े पुराने होते जाते हैं या मुझे लगता है कि मुझे उनकी नीड नहीं है प्लस वो अच्छी कंडीशन में है तो वो मैं किसी और नीडी पर्सन को दे देती हूँ क्या आप जानते हैं कि जकवात क्या होता है जकवात देना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमें कितनी जकवात देनी चाहिए कब कब देनी चाहिए और ये हमें किस तरह कैलकुलेट करना चाहिए कि हम पे ज़क़ात कितनी बनी है तो यही सारी चीज़ें मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ तो ज़कवा़त का पहला मतलब है कि पाक करना और ज़कवात का दूसरा मतलब है कि बढ़ाना एज़ यू कैन सी ये सब कपड़े कितनी अच्छी कंडीशन में ये मेरे शादी के कपड़े हैं और बट अब मैंने और नए कपड़े बनवा लिए हैं तो मैं ये इसलिए किसी और नीडी पर्सन को दे रही हूँ क्या आप जानते हैं शरीयत के हिसाब से ज़क़़त किसे कहते हैं यानी ये माल का हक है जिसे शरीयत ने जिन लोगों को देने के लिए कहा है हमें उन तक ये माल पहुंचाना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो पांच चीज़ों पे टिकी है और ज़कवा़त उन पांच में से एक है ज़कवा़त फ़र्ज़ है और ये हमें अदा करना है लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज़कू़़ हर महीने निकालनी है या फिर आपको साल में एक बार निकालनी है या आप अपने कन्वीन के हिसाब से कर सकते हैं और ज़क़ात की अहमियत का अंदाज़ा आप कुछ ऐसे लगा सकते हैं कि अल्लाह तआला ने कुरान में ज़क़ात का जो जिक्र, जिक्र है वो टाइम्स किया है।, है और ये हुक्म के तौर पर कुरान में लिखा है कि निकालो ज़क़ात ज़क़ात दो जिनका हक है उनको आठवीं सूर में अल्लाह तआला फरमाते हैं आयत नंबर तीन और चार में कि जो शख्स ज़क़ात अदा करता है वो है मोमिन क्योंकि अल्लाह तआला ने जो रिस्क आपको दिया है वो आप खर्च करते हैं और ज़क़ात देते हैं वो शख़्स अल्लाह की नज़र में है बहुत बुलंद क्या आपने कभी सोचा है कि ज़क़त देने से आपस में कितनी मोहब्बत बढ़ जाती है लाइक जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं या हम कोई चीज़ रिसीव करते हैं तो हमें वो मोहब्बत का ही तो एहसास होता है कि कोई हमें कुछ दे रहा है ज़क़त की अहमियत इतनी ज़्यादा है इतनी इतना अच्छा हिसाब है ज़कवा़त का कि हर शख्स अगर अपने माल में से अपनी कमाई हुई चीज़ से कुछ पैसा ज़कवात में निकालता है तो बहुत लोगों की हेल्प हो जाती है ऑलमोस्ट सारे कपड़े मैं तय कर ही चुकी हूँ अब मैं इन्हें पैक करूँगी और मेरा ज़कात का अमाउंट भी रेडी है सारे कपड़े ये तय हो गए हैं और ये रहा मेरा ज़कात का अमाउंट ज़कात का अमाउंट मैं एक ऐसी लेडी को देती हूँ जो मेरे घर के पास ही हैं वो डेली शाम में बलून्स बेचती हैं बहुत एजट हैं और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती है कि वो भीख बिल्कुल नहीं मांगती हैं और नीडी पर्सन हैं इतनी ठंड हो रही है बेचारी फिर भी रोड के किनारे एकदम बैठ के दो चार बलून दो चार बच्चों के खिलौने इस तरह से बेचती हैं हमेशा तो मैं उन्हीं को ही ज़क़ात देती हूँ अपनी और जितना कुछ मेरे पास सामान होता है जो कुछ भी मैं अपनी तरफ से अपने ज्यादा ज़्यादा मैं हेल्प कर पाती हूँ वो मैं उन्हें देती हूँ हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और जब अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है आपकी ऐसी पोजीशन है माली हालत या ज़रूरी नहीं आप माल से ही मदद करें हो हाँ सकता है किसी और तरीके से भी आप किसी की मदद कर सकते हैं तो अगर आप इस कंडीशन में हैं तो ज़रूर आप दूसरे की मदद करें क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है आ, तो ये बैग ऑलमोस्ट मेरा पैक हो चुका है बाय द वे आपको मालूम है कि जकवात को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं क्या आपको पता है कि जकवात निकालते टाइम किस तरह से आपको हिसाब लगाना हो कैसे आपको पता चलेगा कि कितनी ज़क़त आप पे बनी है और किन कंडीशंस में जक़ात देना आया है इफ़ यू वॉन्ट टू नो दिस इन डिटेल देन डू लेट मी नो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो ये है वो लेडी जिनको मैं जकवात देती हूँ अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा शख्स है जो कि ज़रूरतमंद है और आप इस पोजीशन में हैं कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर आगे बढ़ें बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है